चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल और लेबनान में जंग जारी है। पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है, इसराइल सभ्यता के दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहा है। 7 मोर्चे पर इसराइल जंग लड़ रहा है, गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारी हथियारों से लैस आतंकी संगठन से लड़ रहे हैं। तो इसराइल और लेबनान के बीच जंग तो जारी है, इसराइल लगातार लेबनान पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मेरे पास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक संदेश है, आज इसराइल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चे पर अपना बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन वहशी लोगों ने जिन्होंने हमारी हत्या की, हमारे लोगों से बलात्कार किया, सिर काट दिए, जला दिया। हम लेबनान में दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारी उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा है, जिसने लगभग 1 साल से इजरायली कस्बे और शहरों पर हमला किया। हम यमन में हूती और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर इसराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हम यहूदिया और सामरिया में आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने नागरिकों की हत्या करने की कोशिश की हमारे शहर। और हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने पिछले हफ्ते सीधे इसराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो इसराइल के खिलाफ 7 मोर्चे पर युद्ध में पीछे खड़ा है। तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम इसराइल सभ्यता के दुश्मनों से लड़ रहा है, 7 मोर्चे पर इसराइल जंग लड़ रहा है, गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अलग अलग मोर्चे पर इसराइल जंग लड़ रहा है, भारी हथियारों से लैस आतंकी संगठन से इसराइल लड़ रहा है। इसराइल और लेबनान में भी देखिए जंग लगातार जारी है, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बड़ा बयान है। देखिए जिस तरह से इस वक्त इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो चल रहा है, गाजा में जिस तरह से आतंकियों को मारा जा रहा है, और ईरान ने भी जिस तरह से इसराइल पर हमला कर दिया है, नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि 7 मोर्चे पर हम युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं, अलग अलग मोर्चे पर हम युद्ध लड़ रहे हैं। गाजा में हमास के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, भारी हथियारों से लैस आतंकियों के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, हिजबुल्ला के खिलाफ हमारी ये जंग चल रही है, इसराइल और लेबनान में जंग जारी है, इसराइल और ईरान में जंग जारी है, इसराइल और गाजा के बीच जंग चल रही है। तो अलग अलग मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही है, ऐसा नेतन्याहू की ओर से कहा गया।